तो रिव्यू करते हैं अपनी बाइक राइड बिना विंडशील्ड के और विंडशील्ड के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं बाइक राइड के बारे में, और एक इश्यू को हम रिजॉल्व करते हैं जो हम सारे बाइकर्स फेस करते हैं जब हम हाई स्पीड पर ट्रैवल करते हैं, और वो है विंड रेजिस्टेंस। तो विंड रेजिस्टेंस या विंड ब्लास्ट जैसा कि कई लोग इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बहुत फेस करते हैं जब हम हाई स्पीड पर ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो इसके लिए आपने देखा होगा जो बहुत हाई एंड टूरर बाइक्स होती हैं उनमें एक विंड शील्ड पहले से इंस्टॉल होकर आती है। लोअर सेगमेंट में अगर मैं बात करूं तो बजाज की जो एवेंजर है उसमें विंड शील्ड प्री इंस्टॉल्ड आती है, और जिसकी वजह से वो एक बहुत ही कम्फर्टेबल टूरिंग बाइक हो जाती है। तो बात कर लेते हैं विंड ब्लास्ट के बारे में। विंड ब्लास्ट क्या होता है? जब आप बहुत हाई स्पीड पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जिस स्पीड पे आप जा रहे होते हैं और अगर आपके पास कोई विंड शील्ड नहीं होती है, तो विंड आपको बहुत हाई स्पीड पे विंड आपको हिट करती है। और उस हिट करने की वजह से क्या होता है, जब आप शाम को रिलैक्स कर रहे होते हैं तो कभी कभी आप रियलाइज़ करते हैं कि आपका चेस्ट, शोल्डर्स और जो आपकी आर्म्स हैं ये हल्का हल्का दर्द कर रहे हैं। ये दर्द इसीलिए करते हैं क्योंकि आप विंड ब्लास्ट को आपकी बॉडी ने बहुत टाइम तक बहुत हाई स्पीड पर फेस किया हुआ है। उसकी वजह से आप जब देखते हैं आपका हाथ हल्के से पीछे जाने शुरू कर देते हैं जब आप बाइक चलाते हैं, तो हल्के से हाथ पीछे विंड ब्लास्ट की वजह से आपके शोल्डर्स ऐसे हो जाते हैं, विंड ब्लास्ट की वजह से पीछे जाने शुरू कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं अगर आप एक विंड शील्ड को इंस्टॉल कर लें। मैं नहीं कहता कि विंड शील्ड जो है वो 100% आपकी विंड ब्लास्ट को ख़त्म कर देगी, बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन विंड ब्लास्ट के इफ़ेक्ट को बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज़ कर देगा, बहुत ज़्यादा कम कर देगा। और इसी करके मैंने विंडशील्ड मंगाई हुई है अपनी बजाज डोमिनार के लिए। तो उसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स तो क्या ही करना, मैंने बॉक्स पहले खोल दिया था, बस आप लोग को शो करना है। तो ये रही वो विंडशील्ड जो मैंने अपनी डोमिनार के लिए मंगाया हुआ है। बहुत ही मजबूत है, बहुत ही स्टर्डी है। इसको एक बार कंपेयर कर लेते हैं जो ओरिजिनल हमें विंडशील्ड मिलती है डोमिनार से उसके साथ। ये है वो ओरिजिनल विंडशील्ड जो हमें डोमिनार के साथ प्री फिटेड आती है, और ये है वो विंडशील्ड जो मैंने कार्बन रेसिंग से ऑर्डर की है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। दोनों का साइज़ कंपेयर कर लेते हैं। लगभग लगभग इसका डबल है, और मैं उम्मीद करूँगा इसको लगाने के बाद जो विंड रेजिस्टेंस मैंने फील किया है मेरी बॉडी पर जब मैं ड्राइव करता हूँ वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो चलो इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। Right now I'm at speed of 80 kilometers per hour and I'm feeling thoda sa wind resistance, thoda wind resistance I'm feeling it on my body, bahut halka sa। I think agar aap 60-70 tak bike chalate hain city mein to I don't think ki aapko विंडशील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। राइट नाउ आई एम एट 95 किलोमीटर्स पर आर और मुझे चेस्ट पे और हाथों पे हल्का हल्का सा विंड रेजिस्टेंस फील हो रहा है एट अ स्पीड ऑफ 95 किलोमीटर्स पर आर। आई एम फीलिंग द रेजिस्टेंस ऑन माय अबव 100, यस, एंड आई एम फीलिंग द रेजिस्टेंस ऑन माय आर्म्स and my chest very strongly, even my helmet is getting pushed back. I'm at 110 kilometers per hour but I can feel the resistance very high on my hands, especially if you can see this portion of my hand, I'm feeling the wind on my chest पे बहुत ज़्यादा विंड का रेजिस्टेंस है। हैंड्स पे तो नहीं, आर्म्स पे बहुत ज़्यादा विंड रेजिस्टेंस है 110, और विंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है मेरे हाथ पे, मेरे चेस्ट पे।
और मेरे हेलमेट बहुत ज़्यादा 112-113 बहुत ज़्यादा विंड रेजिस्टेंस ऑन माई हैंड, नॉट टिपिकली माई हैंड्स लेकिन माई आर्म्स माई चेस्ट. वेल आई गेट 115-120. That's good. Not feeling a lot on my hands right now. 120 के resistance बहुत था मेरे हाथों पे. मेरे chest पे बहुत resistance था. Okay, so now we are with the windshield on. We're driving at a speed of 80. I can feel the wind on my arms, 85. I can feel the wind on my arms, 90. But not on my chest very strongly. 95 पे मैं drive कर रहा हूँ और सिर्फ हाथों पे मुझे feel हो रहा है. Chest पे मुझे बिल्कुल भी feel नहीं हो रहा है. Wind blast. Now I'm on 100. Nothing on the chest. Yes, on the arms. I'm at 105. Yes, a bit on my upper shoulders and my arms. तो ये था एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो मैंने ट्राई किया विद एंड विदाउट द विंडशील्ड जो हम नॉर्मली बाइक्स पर देखते हैं. माय ओपिनियन इज हाँ 50%. मैं ये नहीं कह रहा कि विंडशील्ड ने पूरे तरीके से रिड्यूस कर दिया विंड ब्लास्ट को, नहीं ऐसा नहीं है, पूरे तरीके से बिल्कुल नहीं. This was my review, my take on having a bike, driving a bike with a wind shield or without a wind shield. I gave you my opinion. Yes, अगर आप लंबी दूरी travel कर रहे हैं, high speed पे travel कर रहे हैं, तो you can have it. City के अंदर ही रहते हो तो आई डोंट फाइंड कि फिर आप विदाउट विंडशील्ड के भी कर सकते हो. इफ़ यू आर टूरिंग, यस इफ यू आर टूरिंग देन आई वुड सजेस्ट यू डेफिनेटली आपको विंडशील्ड लेना चाहिए. अच्छा एक्सपीरियंस था. 50-60% विंड इसने कट ऑफ कर दी. मैंने पहले भी बोला था आपसे कि ऑब्वियस सी बात है ये 100% आपका विंड रिडक्शन नहीं कर देगा. ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल फील नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत हद तक ये आपको मिनिमाइज़ कर देगा. तो चलो मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ. और अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ चुके हैं, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टफ़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा. तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड. गुड बाय गाइज़.